गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ एट क्लास वी आर डूइंग चैप्टर नंबर फोर प्रैक्टिकल जोमेट्री टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस एक्सरसाइज फोर पॉइंट फाइव ऑफ चैप्टर नंबर फोर नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन ड्रॉ द फॉलोइंग द स्केयर आर ई विद आर ई गिवन है फाइव पॉइंट सेंटीमीटर नाउ इस एक्सरसाइज में हम क्या हैं स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्डिलेटर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे नाउ सबसे पहले क्या है इसका रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं अब देखो स्केयर ड्रॉ करना है मैंने स्केयर की मेरे को पता है चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल और एंगल कितने होते हैं सारे एंगल्स जो हैं चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री एंगल बनाते हैं देखो 90 डिग्री अब देखो साइड गिवन है आर ई e, ए डी आर ई गिवन है 5.1 सेंटीमीटर ए बी वाइव पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन एंड फाइव पॉइंट वन आएगा ठीक है थीके? सबसे इजी क्वेश्चन है देखो चारों साइड्स गिवन है चारों एंगल्स गिवन है अब कहीं से भी स्टार्ट कर लो क्वेश्चन को क्योंकि साइड्स ही सेम है सारी आर ई से स्टार्ट कर लो क्वेश्चन अब देखो सबसे पहले मैं आर ई ड्रॉ करूंगी 5.1 सेंटीमीटर Easy है ये वाली एक्सरसाइज अगर पिछली एक्सरसाइजेज आपको क्लियर हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी आपको सो so, ये कर लिए मैंने सेंटीमीटर अब देखो आर पे एंगल कितना बनाना है नाइंटी ई पे भी नाइनटी डिग्री एंगल बनाना है नाउ दोनों साइड्स कंपस की हेल्प से आपने कोशिश करनी होती है एंगल्स जो ड्रॉ करने मैक्सिमम कंपस की हेल्प से ड्रॉ है नाउ आर पे मैंने क्या किया है कंपस रखी है अब यहाँ पे मैं एंगल ड्रॉ करूँगी नाइन्टी डिग्री नाउ यहाँ पे अगेन रख के आँख लगाओ 60 डिग्री आँख यहाँ पे कंपस रखी वन ट्वेंटी डिग्री आँख वन ट्वेंटी को ही आगे इनक्रीज़ कर दो और यहाँ पे कंपस रखी सिक्सटी पे रख के लगा ली वन ट्वेंटी पे रख के लगा ली और अब इन दोनों पे रख के फिर अगेन आँख लगाइए यानी कि इन दोनों को मैंने बाई किया है ये एंगल आपका क्या रहेगा नाइन्टी डिग्री एंगल ना ज्वाइन कर दें इसको देखो अब देखो ये एंगल कितना था सिक्सटी ये वाला पॉइंट ये वन ट्वेंटी है मैंने क्या 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 है ये सिक्सटी और वन ट्वेंटी को बाइसेक्ट किया है यानी कि ये सिक्सटी डिग्री आग थी वन ट्वेंटी अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है सिक्सटी और वन ट्वेंटी के सिक्सटी मैंने सिक्सटी का हाफ़ कर लिया स्टूडेंट्स इसका हाफ़ किया तो आ गया मेरे पास थर्टी डिग्री यानी कि इसका मैंने आधा कर लिया तो थर्टी डिग्री इधर रह जाएंगे सो यहाँ पे ये पॉइंट सिक्सटी प्लस थर्टी नाइन्टी हो जाएगा तो ये पॉइंट मेरा देखो सिक्सटी और ये मैंने इसको दो बराबर हिस्सों में बांट लिया यहाँ पे ये पॉइंट आ गया नाइन्टी वाला ठीक है सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया अब ई पॉइंट पे भी मैं एंगल ड्रॉ करूंगी नाइन्टी डिग्री का ना सेम इतनी ही कंपस खुली रहने दिया आप जितनी मर्जी खोल सकते हो चाहे यहाँ पे भी आग लगा ली अब इस पॉइंट पे रख के लगाएंगे आग सिक्सटी डिग्री आग अगेन इस पॉइंट पे रखेंगे सिक्सटी पे वन ट्वेंटी डिग्री आँख ना वन ट्वेंटी वाली पे रखेंगे ये नाइन्टी वाला पॉइंट आ गया मेरा नाउ जॉइन दिस पॉइंट नाउ अब देखें अब ई पे कंपस रखनी है मैंने 5.1 पॉइंट वन आर पे भी 5.1 पॉइंट वन यानी कि कंपस खोल लेते हैं 5.1 पॉइंट वन सेंटीमीटर आर और ई पे रख के क्या करेंगे हम आँख लगा लेंगे देखो आर पे भी रख के फाइव पॉइंट वन ई पे भी रख के फाइव पॉइंट वन अब ज्वाइन कर दो इसको अब देखो आर वाली साइड ये मेरा पॉइंट कौन सा आया है डी ये पॉइंट मेरा आया है ए ये बन जाएगा मेरा इसको ज्वाइन कर दें ए डी देखो कॉर्डिलेटर बन गई ये जो आपको गिवन है ये आपने क्या है मेंशन भी करना है इस पे सारा कुछ 90 डिग्री एंगल्स हैं सारे सो फाइव पॉइंट वन सेंटीमीटर है फाइव पॉइंट वन सेंटीमीटर एंड फाइव पॉइंट वन सेंटीमीटर सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर वन अब जैसे जैसे क्वेश्चन किया है वैसे ही स्टूडेंट्स आपने इसके स्टेप्स लिखने हैं सबसे पहले आपने क्या किया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट आर ई ऑफ फाइव पॉइंट वन सेंटीमीटर लेंथ नाओ एट ए आर ड्रॉ एन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री थर्ड स्टेप एट ई ड्रॉ एन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री नाओ विद आर ए सेंटर and radius 5.1 centimeter. draw an arc of length 5.1 cm which intersect at point D now again with EA center and radius 5.1 centimeter, draw an arc which intersect at point A join DE thus DER is my READ is the required quadrilateral or square is the required skid Now next come to question number two. Question number two is a rhombus whose diagonals are 5.2 पॉइंट and 6.4 एंड long. पॉइंट फोर सेंटीमीटर लॉन्ग अब देखो हमने क्या है एक rhombus construct करना है जिसके क्या है दो diagonals हमें given है Now सबसे पहले इसका भी rough sketch draw कर लूंगी मैं नाओ रॉम्बस की देखो क्या है चारों साइड्स क्या होती हैं आपस में इक्वल लेंथ की होती हैं सो so, ये मैंने रोम्बस ड्रा कर लिया एक डायगनल ये हो गया इसका दूसरा डायगनल ये वाला हो गया ना हो इसको अब देखो नेम कोई नहीं दिया हो अब मैं अपनी तरफ से इसको नाम देने लगी हूँ ए बी सी एंड डी ना ये वाला डायगनल मैंने ले लिया लेंथ 5.2 सेंटीमीटर का एंड ए सी डायगनल को मैंने ले लिया 6.4 सेंटीमीटर अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब डायग्नल्स क्योंकि हमें गिवन है तो डायग्नल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले ये डायग्नल ड्रॉ करेंगे बी डी अब क्योंकि हमें पता है कि रोम्बस के जो दोनों डायग्नल हैं वो क्या होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं हम सबसे पहले एक डायग्नल ड्रॉ करेंगे फिर इस डायग्नल के ऊपर जो है परपेंडिकुलर बाइसेकटर ड्रॉ करेंगे ऑफ लेंथ सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर वहाँ से क्या है हमारा रोम्बस बनेगा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बी डी लेंथ ड्रॉ करनी है हमने ऑफ लेंथ कितनी है इसकी 5.2 सेंटीमीटर नाउ स्केल की हेल्प से देखो हम ड्रॉ करेंगे इसको अब फाइव पॉइंट नाउ 5.2 पॉइंट टू ड्रॉ करने लगी हूं मैं बी डी बी डी इज फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर अब देखो मैंने क्या है 5.2 सेंटीमीटर इसके ऊपर मैंने क्या है परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ करना है अब क्या करो कंपस को हाफ से ज्यादा खोल लो हाफ से ज्यादा खोल के आपने क्या करना है परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ करना है इसका नाउ अब ऊपर भी आँख लगाएंगे एक सेम जैसे आपने ऊपर लगाई है वैसे ही आप क्या है नीचे भी आँख लगाएंगे अब नाउ पॉइंट डी पे रख के आंख लगाएंगे सेम उसी को आप नीचे भी लगाएंगे देखो नाउ अब ये दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे ये दो पॉइंट्स हैं ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स देखो ये पॉइंट देखो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है इसके देखो दो बराबर हिस्से हो रहे हैं ना 5.2 सेंटीमीटर के और होएगा भी क्या ये 90 डिग्री पे बनाए राइट right? अब देखो अब दूसरा जो हमारा डायगनल है उसकी लेंथ कितनी है 6.4 अब क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इट मीनस ये जो डायग्नल होएगा ये भी क्या होएगा बाइसेक्ट होएगा यानी कि इस लेंथ इसकी हाफ़ लेंथ ऊपर होएगी हाफ नीचे होएगी सो so, इसका हाफ कर लेते हैं हम हाफ़ कितना बनेगा टू थ्री ज़ा सिक्स टू टू ज़ा फोर थ्री पॉइंट टू ऊपर लाई करेगा इस लाइन से और थ्री पॉइंट टू नीचे लाई करेगा सो so, मैं कंपस की हेल्प से थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर देखो खोलने लगी हूँ कंपस को मैंने क्या करना है यहाँ पे देखो रख के आग लगा लेनी है थ्री पॉइंट टू पे देखो थ्री पॉइंट टू पर आँख लगा ली सेम वैसे ही यहां पे रख के आपने नीचे भी लगानी है थ्री पॉइंट टू की देखो अब क्या करना है आपने इस पॉइंट को देखो क्या नाम दिया है मैंने ए पॉइंट इस पॉइंट को नीचे मैंने नाम क्या दिया है सी पॉइंट अब आप ए बी को ज्वाइन कर दें ज्वाइन ए बी ज्वाइन ए डी ए डी को भी ज्वाइन कर दिया मैंने नीचे बी सी को ज्वाइन करेंगे हम एंड सी डी को ज्वाइन करेंगे देखो रोम्बस बन गया हमारे पास देखो दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन इसकी लेंथ 6.4 सेंटीमीटर है वो आपने मेंशन कर देनी है यहाँ पे सो इसके स्टेप्स भी स्टूडेंट्स जैसे आपने किया है वैसे ही इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो इसके सो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री अ रेक्टेंगल विद एडजेंट साइड ऑफ लेंस फाइव सेंटीमीटर एंड फोर सेंटीमीटर अब देखो ये क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है अब देखो इसमें क्या करना है हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लें उसका अब देखो अब क्योंकि हमें लेंथ गिवन है लेंथ कितनी है इसकी फाइव सेंटीमीटर और दूसरी साइड की है फोर सेंटीमीटर इसको भी मैं नाम देते देती हूँ कोई ए बी सी एंड डी नाउ अब देखो रेक्टेंगल के मेरे को क्या पता है चारों एंगल्स जो हैं कितने होते हैं नाइन्टी डिग्री एंगल्स सो so, ये चारों एंगल्स नाइन्टी डिग्री के होंगे अब क्योंकि लेंथ ये बी सी फोर है तो ए डी भी फोर सेंटीमीटर रहेगी ए बी फाइव है तो डी सी भी फाइव सेंटीमीटर रहेगी ना ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया आपने ये खुद करना है स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे आप लाइन सेगमेंट ए बी लेंथ फाइव सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे फिर ए पे नाइन्टी डिग्री एंगल बनाएंगे बी पे भी नाइन्टी देन बी पे कंपस रख के फोर सेंटीमीटर की आँख लगा लेंगे फिर ए पे रख के भी फोर सेंटीमीटर की आँख लेंथ बराबर है और आप सी डी को ज्वाइन कर देंगे सो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा सो so, वैसे ही आप इसके स्टेप्स लिख लेना सो so, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कम टू क्वेश्चन नंबर फोर अ पैरलोग्राम ओ के ए वाई विद ओ के इज इक्वल्स टू फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड के ए इज इक्वल्स टू फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर इज इट यूनिक अब देखो हमें पैरलोग्राम गिवन है ये अब देखो जो गिवन है पहले इसका रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं ओ के ए वाई अब देखो गिवन क्या क्या है ओ के गिवन है 5.5 सेंटीमीटर के ए इज गिवन 4.2 सेंटीमीटर अब देखो क्योंकि पैरलोग्राम में हमें पता है कि ओपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं इट मींस ओ के और वाई ए क्या होंगे आपस में इक्वल लेंथ के होंगे सो so, ये भी 5.5 सेंटीमीटर रहेगा और ए के किसके इक्वल होएगा वाई यू के इक्वल होएगा यानी कि फोर सेंटीमीटर रहेगा राइट right? अब देखो इसके अलावा हमें कुछ भी गिवन नहीं है पैरलोग्राम में अब देखो क्योंकि हमने सारी एक्सरसाइज में क्या किया है हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए क्या है फाइव मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है यानी कि एक एंगल गिवन होए या दो एंगल्स गिवन होए थ्री साइड्स होए बट यहां पे हमें सिर्फ क्या है फोर ही मेजरमेंट्स पता है सो so, इस केस में देखो हम क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे अब इन ऑर्डर टू पहले मैं थोड़ा सा ये थ्योरी बता दूं आपको इसकी नाउ इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ क्वारेटरल अब देखो क्वारिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें वी नीड फाइव मयरमेंट्स फाइव मयरमेंट्स चाहिए हमें बट इन दिस क्वेश्चन बट इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास कितनी मयरमेंट्स हैं ओनली फोर वी हैव ओनली फोर साइड्स या फोर मयरमेंट्स लिख दो यहां पर साइड्स की जगह सो वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन इसलिए हमें क्या है और इन्फॉर्मेशन चाहिए एक एलिमेंट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वन एलिमेंट यानी कि एक एंगल पता लग जाए हमें तो हम आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं अब देखो इस क्वेश्चन को आगे हम कैसे करेंगे अब यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या लिखा है इज इट यूनिक ऐसा पैरोग्राम जो है यूनिक होएगा नो no. ये पैरोग्राम क्या है यूनिक नहीं होएगा क्यों देखो अब अब देखो क्योंकि चारों साइड्स गिवन है हम क्या करेंगे ओ और के पे एंगल जो है हम कोई भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पे ओ का एंगल मैं ले लूँ नाइन्टी अब हमें पता है पैरलोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है वन एट्टी होता है टोटल इनका अब अगर मैं ओ पे नाइन्टी ले लूँ तो के भी नाइन्टी हो जाएगा दोनों का सम वन बन गया और अगर मैं सपोज ओ पे फिफ्टी डिग्री एंगल ले रही हूँ तो ये मेरा बन जाएगा वन थर्टी देखो सम वन एटी रखना है दोनों का हमने अब अगर मैं ओ पे एटी डिग्री एंगल ले लूँ तो ये एंगल क्या होएगा के हंड्रेड डिग्री होएगा सो so, अगर मैं सिक्सटी डिग्री ले लूँ यहां पर तो ये मेरा एंगल क्या है वन ट्वेंटी होएगा यानी कि हम एंगल्स अपनी तरफ से चूज करके सम वन एटी रखना दोनों का कई सारे पैरोग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं सो so, ये पैरोग्राम क्या है यूनिक नहीं है राइट right? अब देखो कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसको यहां पे पहले लिख लेंगे दिस पैरोग्राम इज नॉट यूनिक यूनिक नहीं होएगा अब देखो मैं क्या करूंगी इनमें से देखो सबसे इजी ड्रॉ करना है नाइनटी नाइन्टी वाला लेके भी ड्रॉ कर सकते हो आप बट सबसे इजी रहेगा मैं ड्रॉ करने लगी हूँ सिक्सटी और वन ट्वेंटी एंगल लेके ठीक है कंपस की हेल्प से बड़ी इजीली बन जाएंगे इससे तो क्या है आपका रेक्टेंगल ही बन जाएगा 90 डिग्री जो हमने पिछले क्वेश्चंस में ड्रा किए हैं अब मैं सबसे इजी जो है 60 और 120 का विद दी हेल्प ऑफ कंपस ड्रा करके दिखाऊंगी नाउ सबसे पहले देखो अब हम रफ फिगर से देखें तो ओ के ड्रॉ करेंगे ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर नाउ 5.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे पहले 5.5 देखो ये हो गया ओ के 5.5 सेंटीमीटर नाउ ओ पे मैं क्या ड्रॉ करने लगी हूं एंगल 60 और के पे 120 डिग्री ड्रॉ करूंगी नाव बड़ा इजी है ये कैसे ड्रॉ करते हो सिक्सटी डिग्री एंगल कंपस को खोल के अपने हिसाब से क्या करना है आपने एक आग लगानी है सिंपली अब यहाँ पे देखो यहाँ पे रख के ये आपका सिक्सटी डिग्री बन गया अब मैं इधर भी लगाने लगी हूँ वन ट्वेंटी वाला नाव आँख लगा ली अब यहाँ पे कंपस रख के एंगल बनाया मैंने 60 डिग्री एंगल फिर उतनी कंपस खोल के ये मेरा एंगल बन गया 120 डिग्री अब देखो इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे इससे ये पॉइंट और ये 120 डिग्री वाला इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दें देखो देखो राइट अब देखो अब स्टेप कौन सा रह गया के और ओ पे देखो लेंथ हमने कितनी रखनी है 4.2 पॉइंट टू के पे मैं 4.2 पॉइंट टू खोल के यहाँ पे आँख लगाऊंगी दोनों साइड क्योंकि लेंथ क्या है दोनों साइड सेम है सो फोर पॉइंट टू कंपस खोलने लगी हूँ मैं फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट टू खोल ली दोनों साइड लेंथ सेम है आँख लगा लो दोनों साइड फोर पॉइंट टू देखो पैलोग्राम बन गया नौ जॉइन कर दो ये पॉइंट वाई है ये पॉइंट ए है ज्वाइन ए एंड ज्वाइन वाई देखो ज्वाइन हो गई इसकी लेंथ होएगी 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर जो आपको गिवन है लेंथ वो आपने सारी मेंशन करनी है ठीक है यहां पे आप लिखोगे कि एंगल ओ वी हैव हाँ टेकन 60 डिग्री एंड एंगल के हमने कितना लिया है 120 ट्वेंटी डिग्रीज इसी तरह देखो आप अलग अलग एंगल्स लेके ना कई सारे पैरलोग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो सो so, ये पैरलोग्राम इस टाइप का इस लेंथ का क्या है यूनिक नहीं होगा क्योंकि हमने एंगल जो है अपनी मर्जी से लेके कर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे राइट सो स्टूडेंट्स दिस कंप्लीट्स माई एक्सरसाइज फोर पॉइंट फाइव इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग माई दिस वीडियो